ओप्पो रेनो 11 सीरीज आप लोगों के सामने है, जो कि काफ़ी यूनिक और डिज़ाइन के साथ ये लॉन्च हो रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है इसकी डिस्प्ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि 6.78 इंच की फुल एचडी एमोलेड स्क्रीन के साथ है, लेकिन पहले जो था 6.77 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड स्क्रीन, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंजेस है, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते 11 में, जो कि 24:12 1080 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन वाला है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है, 950 निट्स की ब्राइटनेस और 394 PPI सपोर्ट मिलता है। परफॉर्मेंस के लिए ओप्पो के ये इस मोबाइल फ़ोन में ब्रांड मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 अक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए माली G68 GPU मौजूद है। कैमरे के फीचर्स की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप है, जिसमें 64 MP का प्राइमरी, 32 MP का टेलीफोटो लेंस और 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और वहीं सेल्फी वीडियो कॉलिंग के लिए 32 MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। बैटरी के लिए बात करें तो 5000 mAh की बैटरी है, 67 W का सुपर ओक चार्जिंग के साथ है। ये फ़ोन एंड्रॉयड 13 पर है, 13 पर लॉन्च हुआ है, जिसे बाद अपग्रेड मिल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ बात करूँ 11 सीरीज में जो लॉन्च टाइमलाइन है, जैसे कि टिप्सर ने चैट स्टेशन को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के जरिए से कहा है, इसे इंडिया में जल्द लॉन्च किया जा सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो होने वाली है, जैसे ओप्पो के फ़ोन्स के भी शौकीन, जैसे ये वीवो Z10 सीरीज़ की भी है, साथ में आ रही है ऑनर 100 है और Huawei Nova 12 सीरीज़ है, ये सारी चीज़ें लॉन्च हो रही है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे अहम चीज़ें ये चीज़ें जो मैंने आपको बताया है कि इसमें सारी चीज़ डिस्प्ले काफ़ी अपग्रेडेशन है, 11, 11 प्रो और 11 प्रो प्लस ये सारी चीज़ें एक साथ लॉन्च करेगी। और इंडिया में टाइम जो लॉन्च है, टाइमलाइन की लॉन्चिंग की डेट है, वो लगभग ये आपको नवंबर के अंत में चीन में लॉन्च होगा, उसके बाद इंडिया में लॉन्च करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो यहाँ तक की थी। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो जब लाइक करना शेयर करना। मिलता हूँ मैं से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।